आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। माह रमजान बीजापुर में 27 दिनों तक चले ख्वातीन के तफसीर कुरान का हुआ इख्तिताम। हर साल माह रमजान में पहले रमजान से 27 रमजान तक रमजान के हर लम्हे का फायदा उठाने के लिए बीजापुर में मदरसा अहसनुल बयान की जानिब से मोहतरमा सैयदा जीनत इनामदार मोहम्मदी, जो ख्वातीन में जीनत आपा के नाम से मशहूर हैं, इनके ज़ेर निगरानी में सिर्फ ख्वातीन के लिए दीनी इज्तिमा मुनक्किद किया जाता है, जिसमें दरस कुरान का अहतमाम किया जाता है और 27 रमज़ान को दरस कुरान के आखिरी दिन इज्तिमाई तौर पर खुसूसी दुआ भी की जाती है, जिसके चलते इस साल भी माह रमज़ान में मदरसा अहसनुल बयान की जानिब से मोहतरमा सैयदा जीनत इनामदार मोहम्मदी के ज़ेर निगरानी में ख्वातीन के लिए तफसीर कुरान का अहतमाम किया गया। हर साल माह रमज़ान में शहर बीजापुर के सागर फंक्शन हॉल में ख्वातीन के लिए चलने वाला यह दीनी इज्तिमा तफसीर कुरान इस साल बीजापुर शहर के सकाफ रोज़ा KKGS रोड पर वाक़े डॉक्टर यसडी इनामदार क्लिनिक के पीछे मौजूद जीनत आपा के मकान में मुनक्किद किया गया, जिसका आज खुसूसी इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम हुआ, जिसमें कसीर तादाद में ख्वातीन ने शिरकत फरमा कर इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। माह रमज़ान में सिर्फ ख्वातीन के लिए चलने वाले इस दरस कुरान में सैयदा जीनत इनामदार मोहम्मदी तकरीबन 20 सालों से कुरान की तफसीर सुना रही हैं। मोहतरमा सैयदा जीनत इनामदार मोहम्मदी की तालीम को समझते हुए हर साल इस दरस कुरान में ख्वातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। ख्वातीन में तकवा परहेजगारी बढ़ रही है और ख्वातीन कुरान के करीब आ रही हैं। इस मौके पर बात करते हुए मोहतरमा निशात ने ख्वातीन के लिए 27 दिनों तक चलने वाले इस तफसीर कुरान की तफसील पेश की। माँ बहुत अच्छा लगा, देखो कौम के ऊपर बोले, हाँ पहले हमारे मुसलमान औरतों पर बोले, औरतें सुधरे तो कौम की हालत भी सुधरती इंशाल्लाह। मैं अभी हुआ तो 14 या 15 हुआ रहेगा, मनियार क्या से आ रही तो यहाँ पहले हमारे सका पड़ोसिया मस्जिद में बोले, अभी शादी हुई थी आरस की, मेहंदी भी नहीं गई थी, इससे माँ चालू करें हम। आपको कैसी लगती है इनकी तालीम? हाँ मैंने तालीम बहुत अच्छी है, हम वतन के ऊपर भी बोलते हैं, औरतों के लिए बोलते हैं, मर्दों के लिए बोलते हैं, हमारे औलाद को सुधारो बोलते हैं, औलाद सुधरी तो हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छा बोलते हैं। सीखे हमें सब उनके पास सीखे, उन जो बोले सो मेरे पास रिकॉर्ड है, लिख को रखे हूँ, नहीं बरस को लिखता हूँ तो मैं, ये देखो ये बरस की भी बुक है, नूर जहाँ नूर जहाँ। अस्सलाम वालेकुम। एक पूरा महीना है, हमने बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सिख को, बहुत अच्छी जानकारी भी मिली, नहीं मालूम था वो भी मालूम होने का भी हुआ। अच्छा आप कितने साल से आ रहे हैं? ये जी एक महीना हुआ हमें आने लगा, पहली बार। हाँ पहली बार। प्रॉपर बीजापुर? हाँ प्रॉपर शापेटी वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर ना हर साल आते हैं हम, मतलब क्या है दुआ के टाइम में ही आते हैं, तो दुआ बहुत अच्छी लगती है हमें, और जो नहीं सुनती हो ना यहाँ पर आने के बाद में वो भी सुन लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये दुआ हमको मिलती है। ये साल आई सो आपका? ये साल आई। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। क्या सीखने को मिला आपको? नमाज है कुरान सब अच्छा लगा सब बोले सो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं हमारे उस्ताजा के लिए जीनत मोहम्मदी इनामदार, जो कि उस्ताजा हमारे तमाम उनके हक़ में दुआ करने के लिए। यह इज्तिमा पहले रमज़ान से शुरू होता है और हर रोज़ एक पारे की तफसीर होती है, और आज 27 है, 30 पारे की तफसीर होने के बाद आज दुआ के लिए हर रोज़ आने वाले सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का इंतज़ाम किया गया है, सभी आज दुआ के लिए ये मजमुआ जमा हुआ है। हमारे उस्ताजा के ज़रिए ज़िंदगी गुजारने का तरीका हम सब सीखते हैं,
पूरी हकीकत से आगाह कराया जाता है। दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने का उसूल बताया जाता है। आज हमारे लिए मानो ईद का दिन है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें औरतों को इल्म सिखाने का अल्लाह ताला आपा को ज़रिया बनाया है। कम से कम 20 साल से ये काम चल रहा है इस्तिमा का, और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। जो भी लोग अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तादाद बढ़ती जा रही है। अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते यहाँ बीजापुर से बाहर के लोग, तो वो ऑनलाइन के ज़रिए ये सभी सुन सकते हैं, इस्तिमा भी सुन सकते हैं और क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या पिछले साल से इस साल खातिर की तादाद में इजाफा हुआ? हाँ, लाखों की तादाद में ऑनलाइन पब्लिक जमा हो चुकी है। अभी हर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। हाँ, कमी नहीं आई है कभी भी। किन के ज़ेर निगरानी में ये प्रोग्राम होता है और किन किन लोगों का बयान होता है? इस पे आपा जीनत मोहम्मदी इनामदार साहिबा, उनका बयान होता है। मेरा नाम निशात है। जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, जो मुल्क के बाहर हैं, वो ऑनलाइन बैठ कर इज्तिमा और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे आपा का बयान सुन सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।